नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकाड़ो से, बोकाड़ो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यहाँ जो प्लांट मैंने रखे हुए हैं, ये एचेवेरिया का सकुलेंट प्लांट है। साथ में यहाँ पर आपको क्रेसुला दिखाई दे रहा है। आज मैं जो बात करने जा रही हूँ, इसी पर मेरी वीडियो होगी, तो आप अंत तक देखा करें, नहीं तो थोड़ी सी बात सुनकर अगर आप निकल लेते हो, चले जाते हो, बंद कर देते हो, तो फिर कुछ बातें आवश्यक रहती है जो छूट जाती है। तो इसलिए पूरी की पूरी वीडियो आप जरूर देखें। दोस्तों, इस सकुलेंट की बात जब चलती है, चाहे वो जो भी सकुलेंट हो, एचेवेरिया हो, क्रेसुला हो, जो भी हो आपका, तो उसमें आपको जो सॉयल होती है उसका बहुत महत्व होता है, क्योंकि इसमें पानी ज़्यादा रुकनी नहीं चाहिए। तो सॉयल में आप इसको कोकोपीट में लगा सकते हो, पीट मॉस और परलाइट में भी लगा सकते हो, जो आपके पास अवेलेबल हो उसमें आप इसको लगा सकते हैं। सॉयल ऐसी होनी चाहिए जो पानी इसमें रुके नहीं, क्योंकि मैं इसकी बात कर लूँ, यहाँ पर पानी की ही बात कर लेती हूँ, तो इससे बहुत कम पानी चाहिए। अगर ज़्यादा पानी मिलते हैं तो इसके पत्ते गल जाते हैं, जैसा कि आप देखोगे मेरे एक दो पत्ते निकल लिए हैं। अभी बरसात में भी थोड़ी सी परेशानी हुई है, यहाँ पर आप देखोगे इसके पत्ते खराब हो रहे हैं। मुझे इसको काम करने थे तो मैंने सोचा चलो आपको दिखलाते हुए, वीडियो बनाते हुए इसको शेयर करती हूँ। तो कहने का मतलब है कि पानी जब इसकी सूख जाए, पूरी तरह से सूख जाए, एकदम ड्राई हो जाए, ये पानी कम रहना बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन पानी की अधिकता ये बर्दाश्त नहीं करता है और समाप्त हो जाएगा। इसको अगर आप रखना चाहते हो, कहाँ रखना है, तो इसको आप सन में, धूप में रख सकते हो, या फिर अगर रूम में आपको रखना है तो ऐसे विंडो का आपको चुनाव करना है जहाँ पर कि धूप आती हो, विंडो से भी धूप मिलती रहे, तो भी ये चल जाएगा। दोस्तों, ये प्लांट पत्ते से भी ग्रो होता है, और आप देखोगे मैंने यहाँ पत्ते में लगा के रखी है, और इसमें हल्का सा छोटा सा इसमें प्लांट बन रहा है, हालांकि पूरा ये पूरी तरह अभी ये बना नहीं है, हल्का सा छोटा सा आपको दिखाई दे रहा होगा, इसलिए मैं इसको अभी टच नहीं करूँगी। कहने का मतलब यह है कि पत्ते से आप चाहो तो इसके प्लांट को आप ग्रो कर सकते हो। यहाँ भी मैंने एक पत्ते को लगा कर रखी हुई है, अभी उसमें भी प्लांट नहीं बने हैं, और साथ ही ये बहुत सारे पफ्स भी निकालता है, जो आप यहाँ देख रहे होंगे, एक यहाँ दिख रहा है आपको, एक यहाँ नन्हा सा ये दिख रहा है, तो पफ्स निकालता है, इससे भी आप एक प्लांट से अनेक प्लांट बना सकते हैं। दोस्तों, इसको अगर धूप में रखोगे तो ये रंग चेंज करता है, गुलाबी और रेड कलर का इसके पत्ते हो जाते हैं। साथ ही अब सॉयल की बात जब मैंने की थी तो मुझे कहना बचा रह गया कि ये थोड़ी सी एसिडिक सॉयल पसंद करता है, पीएच लेवल अगर 6 हो तो इसके लिए बहुत अच्छा होता है। इसलिए दोस्तों, मैं बात करती हूँ कि आप अंत तक वीडियो देखो। अगर मुझे अभी याद आया कि इसका पीएच लेवल मैंने बताया नहीं, तो इसमें 6 तक जो आप पीएच लेवल इसका रहता है तो इसके लिए बहुत अच्छा रहता है। दोस्तों, अब इसमें फर्टिलाइजर की बात करोगे तो इसमें 20-20-20 फर्टिलाइजर आप दे सकते हो, लेकिन जाड़े के दिन में अभी फर्टिलाइजर नहीं देनी है, ग्रोथ पीरियड में ही फर्टिलाइजर देना सही रहता है। अभी तो ये इसकी ग्रोथ नहीं होगी, अब फरवरी में जाकर आप इसमें फर्टिलाइजर देंगे। साथ ही अब बात करते हैं कि जब इसको बहुत ज़्यादा, अभी देख रहे हो ढेर सारे इसमें प्लांट नए नए निकल रहे हैं, तो इसको जब रिपोर्ट करना हो, आपको दूसरे गमले में ले जाना हो, तो उस समय आप इस बात का निश्चित कर ले। दोस्तों, इसको निश्चित आपको कर लेनी है कि पहले सॉयल आपकी पूरी तरह से ड्राई हो, जब सॉयल अच्छी तरह से ड्राई हो उसी समय उसको गमले से बाहर निकालें, गिलगिला रख के उसमें रिपोर्टिंग नहीं करें। साथ ही जो बॉटम के पत्ते हैं जो खराब हो गए हैं, जैसे मैं यहाँ आपको दिखला रही हूँ बॉटम के पत्ते, इसमें जो गल जाते हैं उसको जरूर हटा लिया करो। अभी तो कोई पत्ते लग नहीं रहे हैं कि गले हैं,
फिर भी कहने का मतलब है कि जो बॉटम के पत्ते समाप्त हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, तो उनको जरूर हटा दिया करो। ये इसके लिए बहुत जरूरी है, इसकी केयर में मस्त है। पानी पर ध्यान देना है और सड़े गले पत्ते जो होते हैं उनको हटा लेनी है। साथ ही इसको कोशिश करना है कि धूप मिले, और इंडोर भी रखते हैं तो धूप वाली जगह में इसको रखें। दोस्तों, बहुत लोगों का प्रश्न आया है कि क्या ये जब फूल देता है, मेरे में तो फूल अभी आया नहीं, आने पर मैं शेयर कर दूंगी, तो फूल देता है तो क्या ये मर जाता है? तो दोस्तों, सकुलेंट में हर एक तरह की बात होती है। कोई तो आपका फ्लावरिंग करने के बाद नहीं मरता है, जो मैं पहले वीडियो डाल चुकी हूँ, और ये जो आपका है फ्लावरिंग करने के बाद, इसकी कुछ वेराइटी मर जाती है। तो इसी में आपका इचेवेरिया भी आता है, फ्लावरिंग करने के बाद ये मर भी सकता है। तो इसलिए इसके जो नन्हे नन्हे पॉप्स हो, उसे नए प्लांट बनाकर रख लिया करें। दोस्तों, अब एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे याद आ रही है कि मैंने इसे वर्षा के पानी से बचाने के लिए छुपा के रखा था, तो आप देख रहे होंगे कि इसके डंडे कितने बड़े हो गए हैं और इसके जो लिप्स हैं वो कितनी दूरी पर हो गए हैं। ये देखने में अब उतना खूबसूरत नहीं लगेगा जैसा कि ये लग रहा है, ये लग रहा है आपका, ये लग रहा है। तो ऐसा क्यों होता है, ये बात मुझे आपसे शेयर करनी है कि ये जो आप इसके डंडे बड़े देख रहे हो और लिप्स दूर दूर में देख रहे हो, इसका कारण है इसको धूप की कमी वहाँ पर दिख रही थी, छाये में छुपा के रखा हुआ था। ऐसी हालत में ये प्लांट जो है अपने आप को स्ट्रेच करते हैं, खींचते हैं, खींचकर कोशिश करते हैं कि कहीं भी धूप के पास पहुंचाया जा सके, और उसी स्ट्रेच करने में ये अपने स्टेम को इस तरह से बड़े कर लेते हैं। दोस्तों, ये इचेवेरिया के साथ ही नहीं, कोई भी आपका जो सकुलेंट होता है, इसका एक जर्नल ही मैंने इस पर बात की है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिए। और साथ ही आप इस बात का मुझे आपसे चर्चा करनी थी कि मुझे अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक कर दिया करो, साथ ही अपने दोस्तों में अगर आप वीडियो को शेयर कर देते हो तो कुछ जानकारी उन्हें भी हो जाती है, इसलिए वीडियो को आप शेयर भी कर दे सकते हो। साथ ही अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो मेरा रिक्वेस्ट होगा आपसे कि आप प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लो, ताकि सब्सक्राइबर्स बढ़ने से जो खुशी मिलती है वो मैं आपसे शेयर कर सकूं। तो इसी के साथ चलती हूँ, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।